बुझो ना यहाँ साइड से डॉक्यूमेंट निकल। ये तस्वीरें ममता दीदी के बंगाल की हैं। वीडियो सामने आने के बाद बंगाल से बिहार तक बवाल मच गया है। ये वीडियो एसएससी की परीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गए बिहार के दो छात्रों की पिटाई की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बिहार के छात्रों को पीट रहे हैं। पीटने वाले बंगाल के लोग हैं, जिनका कहना है कि यूपी बिहार के लोग उनका हक छीनने के लिए बंगाल आते हैं। ये बंगाली लोग बिहार के लड़कों से कान पकड़वा कर माफी मांगवा रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद बिहार पुलिस ने भी इस पर एतराज किया था। मामला तूल पकड़ने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब यह सवाल है कि क्या ममता सरकार आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेगी या फिर महज दिखावे की कार्रवाई होगी। बीजेपी की ओर से ममता दीदी से सवाल किए जा रहे हैं कि बंगाल क्या हिंदुस्तान में नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस से सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई वाला वायरल वीडियो भेजते हुए इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी है। जिस संगठन पर पिटाई के आरोप हैं, बांग्ला पक्सो नाम का कट्टरपंथी संगठन है। जानकारी के अनुसार इस संगठन के द्वारा ही पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदी लिखी साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान चलाया गया था। तो हिंदी बोलने वालों की पिटाई का ये वीडियो भी सामने आया है। आरोपी रजत भट्टाचार्य नाम का युवक है, जिसने सिलीगुड़ी में परीक्षा देने आए बिहारी छात्रों को धमकाया था। रजत भट्टाचार्य बांग्ला पक्सो नाम के कट्टरपंथी संगठन का सदस्य है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उससे सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना पर आरजेडी के प्रवक्ता ने बताया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी से फोन पर बात की, इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ जो मारपीट की घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सोमदेव भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में मालूम नहीं है, इस पर कोई बयान देना ठीक नहीं होगा। फिलहाल सियासत के बीच सवाल है कि हिंदी भाषी लोगों से इतनी नफरत क्यों? भाषा के नाम पर हम अपने हक जमाते हैं। इस देश की खूबसूरती ही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं। मैं मोहित शरब्रह्मा और ये खबर लिखी है मेरे साथी सुधांशु विश्वकर्मा ने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।